किसी भी शादीशुदा स्त्री या विवाहित स्त्री पर वशीकरण कैसे करें? मेरे पास बहुत से साधक आते हैं जिनका प्यार किसी और का हो जाता है और शादी के बाद दोनों एक दूसरे के दोबारा से होना चाहते हैं। तो नमस्कार साधकों, मंत्र साधना में आपका स्वागत है। साधकों, इस वीडियो में बताए उपाय को आप अगर सही नियम से करते हैं तो उस इच्छित विवाहित स्त्री को अपने वश में पा सकते हो। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि किसी भी विवाहित स्त्री पर वशीकरण करना एक कवारी लड़की पर वशीकरण करने से काफी मुश्किल होता है। बहुत से साधक वशीकरण करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं पर उनका काम नहीं बनता। तो अगर आप भी अपने प्यार या विवाहित स्त्री पर वशीकरण करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साधकों, शादीशुदा औरत पर वशीकरण इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तो वो शादी के बंधन में होती है। शादी में सात फेरे होना ही अपने आप में एक तंत्र है, और भी कई चीजें काम करती हैं, पर अगर आप इस प्रयोग को करते हो तो काम आपका अवश्य बनेगा। इस प्रयोग में आपको उस स्त्री का कोई भी कपड़ा चाहिए, आपको उसका पहना हुआ कपड़ा ही लेना है। तो आपको करना क्या है, आप कपड़े पर लाल सिंदूर और कामिया सिंदूर का तिलक बनाकर अनार की कलम से इस मंत्र को लिखिए। जो मंत्र आपको लिखना है वो इस प्रकार है, ओम व्रज करण शिवे रुद्रुद भवे ममाई अमृत कुरु कुरु स्वाहा। साधको, यह मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। मंत्र लिखने के बाद आप कपड़े के बीच में अपने बाल रखकर उस कपड़े को अच्छे से लपेट लें और कपड़े को रात में कहीं बाहर जमीन में दबा दें। आप इस प्रयोग को शनिवार 10 बजे के बाद ही करें और घर वापस आते हुए पीछे मुड़कर ना देखें। साधको, सिर्फ 5 दिनों में आप खुद देखोगे कि वो स्त्री चाहे कितनी भी विवाह के बंधन में क्यों ना हो, उसके सामने आने वाली सभी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी। और अगर स्त्री मानसिक रूप से आपके साथ है तो आपके काम को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको फिर भी कुछ समझने में समस्या आती है तो आप मुझे निसंकोच संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो साधकों, आशा करता हूं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी तरह तंत्र विद्या से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो साधकों, धन्यवाद। राधे राधे।